So hello and welcome to Beauteous Past TV. I'm Ritu Jha and we are very honored to have with us today Raju Rajak. He is the winner of the Indian Hairdressing Awards 2021. He's from Gitanjali Salons, a professional hairdresser, senior hairdresser for the last over four years. And he is also now qualified, which is a great honor for the hairdressing industry in India, for the Indian Style and Color Trophy, which is going to happen in Paris. And Raju has been passionate about hairdressing, although he's a master's in mathematics. And he chose this profession, being inspired by his cousin, apne cousin se inspire hoke is industry mein aaye hain aur bahut passionately. Aap ye isi passion ka natija hai ki aapne ye you know Indian Hairdressing Awards jeeta hai. And it's an honor कि आपको आज welcome करते हैं Beauty Spas TV पे और हम चाहते हैं कि आप आगे जाएं और India का नाम रोशन करें international stage पे भी. So welcome Raju to Beauty Space. So तो पहला प्रश्न राजू, जैसे एक natural सा है कि भाई आपने L'Oreal professional Indian Hairdressing Awards and और अब आप international L'Oreal professional का जो host कर रहे हैं वो Indian Style and Color Trophy में जाने वाले हैं, तो ये journey आपकी जो है ये कैसी रही है? आपको क्या लगता है कि कैसा अनुभव हो रहा है? How do you feel? बहुत ही अच्छा, मैं बहुत ही fantastic feel कर रहा हूँ कि जब मैंने Style and Color Trophy जीता और जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो कभी सोचा नहीं था कि कभी मतलब इतना आगे तक बढ़ पाऊंगा, बट जब मैं स्टाइल एंड कलर ट्रॉफी जीता तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मैं इसके लिए बहुत ही सालों से प्रिपरेशन भी कर रहा था और डेली हम जो सैलून में करते हैं और लकीली वही थीम थी फ्रेंच बालियाज जो कि मैं सैलून में करता हूँ डेली बेसिस, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और इंटरनेशनल कलर ट्रॉफी में जाने के बाद मुझे और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है क्योंकि अब यहाँ पर मेरा या ब्रांड का सवाल नहीं है, आप कंट्री का है, तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हाई हो गया, तो इसीलिए मैं उतना भी एफर्ट कर रहा हूँ कि अपने देश का नाम रोशन कर सकूं और आगे बढ़ूं। That's good. तो ये प्रोसेस जो है, how did you arrive at creating the look, जिसे विनिंग लुक होता है, एक कुछ उसके अलग उसके कोई आपके लिए इंस्पिरेशन होगा या कैसे आपने उसके बारे में सोचा और आपको आप जब आप वो क्रिएट कर रहे थे तो किन चीजों का ध्यान रखा आपने? हम जो थीम था फ्रेंच वाले आज जैसे कि मैं करता ही हूँ, वैसे मैं बहुत ही नेचुरल सटल स्टाइलिंग में भी बिलीव करता हूँ और मुझे इंस्पायर करता है व्हेन आई वाज किड, तो मैं जब छोटा था तो मैं मेरा फाइनेंस कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, तो मैं जंगल में जाता था कभी और वहां पे मैं देखता था पतझड़ के टाइम पे, वहां पे जब जंगल को मैं देखता था तो सारी चीजें ब्लेंडेड होती थी, बहुत ही सीमलेस होती थी, एक दूसरे के कलर में मिली हुई होती थी, तो मैं वहां से भी जब कभी भी मैं सोचता हूँ ना फ्रेंच बालियाज के बारे में, सीमलेस ब्लेंडेड लो कॉन्ट्रास्ट, तो मैं उस एक व्यू मेरे माइंड में आ जाता है कि एक वो जंगल पतझड़ और लकड़ियां पत्ते सब ब्राउन में रंगे हुए होते हैं, तो मुझे एक इमेज सा क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो मुझे वो इंस्पायर करता है। ओके, तो वही आपने उतारा अपनी मॉडल के? यस मैम। या ओके, सो तो इसमें जाहिर सी बात है कि आप शायद L'Oreal प्रोफेशनल के साथ काम करते हैं प्रोडक्ट्स के साथ, तो वही यूज किए होंगे, लेकिन किस तरह के प्रोडक्ट्स आपने यूज किए हैं, व्हाट इज योर फेवरेट प्रोडक्ट एंड टूल, ये भी हम जानना चाहेंगे। ओके मैम, सबसे पहले तो L'Oreal प्रोफेशनल को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा स्टेज प्रोवाइड किया और L'Oreal की मैं बात करूं तो L'Oreal हम हेयर ड्रेसर को बहुत ज्यादा एजुकेट करता है और मेरा फेवरेट L'Oreal प्रोडक्ट है डिया लाइट, जो इन्होंने मतलब काफी सालों से चल रहा है, बट बहुत सारे स्टाइलिस्ट को शायद पता ना हो, बट मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है डिया लाइट और ब्लॉन्ड स्टूडियो, जो कि बालों की केयर करता है साथ साथ, इसलिए मुझे ये पसंद है क्लाइंट के हेयर केयर होने। ओके, सो डीएल लाइट क्या एक नई लाइन है या ये पुरानी? हाँ, और से ओके, डीएल लाइट एक डिपोजिशन के लिए यूज होता है, टोनिंग के लिए यूज होता है, जब हम प्री लाइट करते हैं हेयर को
तो हमें अंडरकोट अचीव होता है, तो हमें इसके ऊपर टोनिंग करनी होती है, इस कलर को डिपॉजिट करना होता है। तो जब हम डीएलआईट को यूज करते हैं तो हमारे हेयर काफी पीएच लेवल को वो मेंटेन करता है, ड्राइनेस की तरफ आने नहीं देता और साथ साथ मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करता है, जिससे हेयर जिससे क्लाइंट के हेयर ना डैमेज नहीं होते हैं और शाइनी लस्टर ये सब उनको देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई कि ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। ओके ग्रेट। सो वी वुड आल्सो लाइक टू नो राजू कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग वेंट इनटू यू नो दिस विक्ट्री, किस तरह से आपने ट्रेन किया, कितने घंटे लगाए या कितने किस टेक्निक्स को फॉलो किया या आपके कोई मेंटर थे, जो भी आप कहना चाहें। ओके सबसे पहले तो जब मैं लुक क्रिएट कर रहा था फर्स्ट राउंड के लिए, जब मैं टॉप 16 में नहीं आया था उस समय, तो मैं जो जनरली सैलून में करता था मैं वही मैंने किया। बट आफ्टर सिलेक्टेड इन टॉप 16 तो उसके लिए उसके बाद तो मुझे नींद आना बंद हो गया था कि अब मुझे कुछ करना है, और मेरे माइंड में बस चल रहा था कि मुझे क्या करना है, या मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ कुछ नई नई टेक्निक कि कैसे मैं और ज्यादा ब्लेंड कर सकूँ और ज्यादा सीमलेस रख सकूँ अपने लुक को। तो और मुझे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे थे लॉरियल के जो ट्रेनर्स हैं जो हमारे यहाँ ब्रांचेस को देखते हैं, तो उनसे भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है और प्रैक्टिस मैंने काफी ज्यादा की है। स्टाइलिंग में मैं फोकस कर रहा हूँ, जो क्लाइंट आ रहा है तो मेरे माइंड में बस IHA वाली ही स्टाइलिंग है जो मैं उनको करके दे रहा हूँ, लूज नेचुरल। तो और क्लाइंट को प्रैक्टिस मतलब जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो IHA के पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि हाँ मुझे ये करना है वहां पर, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर भी प्रैक्टिस करता रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने प्रैक्टिस किया है। ओके और ये इसमें क्या कुछ समय लगाते हैं, कितने घंटे, कुछ ऐसे कोई टिप्स है आपके लिए जो आपको सुन रहे होंगे आप और यंग हेयर ड्रेसर्स, उनके लिए क्या टिप्स है आपको आपके पास? ओके तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये सभी ने सुना होगा। और इंटरेस्ट दूसरा चीज मैं बोलना चाहता हूँ, इंटरेस्ट अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे दिखाओगे ना तो फिर वो मजा नहीं आएगा। आप पहले सबसे पहले एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें ये चीज करना है, यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट दिखाना है, और उसके बाद फिर उस पर काम करना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना, और उसको तब तक प्रैक्टिस करो, उसको छोड़ना नहीं है कि हमें लग रहा है कि यार ये डिफिकल्ट है चलो छोड़ देते हैं, नहीं, उसको आप तब तक प्रैक्टिस करो जब तक कि वो इजी ना हो जाए आपके लिए। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, मेरे स्ट्रेंथ यही है कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, जब उस तब तक प्रैक्टिस करता हूँ जब तक कि वो मुझे बिल्कुल बहुत ही इजी ना हो जाए वो मेरे लिए। मैं बस प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। दैट्स ग्रेट। सो नाउ हर एक जो आपकी विक्ट्री होती है लाइफ में उसको आप किस तरह से अपने सिस्टम में उतारते हैं, अपने वर्क प्लेस में ले जाते हैं, तो आप कैसे इस विक्ट्री को, हाउ डू यू टेक दिस विक्ट्री टू योर वर्क एंड हाउ डू यू थिंक इट विल हेल्प यू? ओके जब मैं IHA जीता तो अब मेरे काम में बहुत ज्यादा मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे काम में अब बहुत ज्यादा परफेक्शन हो, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता हूँ, क्योंकि अब मेरे फेलो हेयर ड्रेसर हैं जो मुझे देख रहे होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे फॉलो कर रहे होते हैं कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखता हूँ, क्लीनिंग पे बहुत ध्यान रखता हूँ, क्लाइंट के कंफर्ट लेवल को ध्यान रखता हूँ कि क्लाइंट कंफर्टेबल फील कर रहा है मेरे साथ, इनसे कितनी बात करनी चाहिए, उन्हें आफ्टर केयर जो मैं सर्विस कर रहा हूँ उनको घर में वो कैसे उनको केयर कर सकते हैं, ये सब चीजों में मैं उन्हें टिप्स देता हूँ और क्लीनिंग पे बहुत ध्यान रखता हूँ और अच्छे से बिहेव करता हूँ क्लाइंट से। As usual. That's very important. Yeah. So now coming back to the roots, your roots. Aapko what made you? I know that you got inspired by your cousin and that you are basically a creative person. But what, in your words, made you get into the hairdressing career? Because you have done MA and after that, I have done MSc. Okay, I have done MSc, Master in Science, Mathematics. Okay. Yeah. So what were the milestones? आपके यदि आप देखा जाए कि भाई आप एक तो कैसे आप आए और क्यों आए और दूसरा what अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या आपके key milestones थे, क्या जो चीजें थी जो कि मतलब आपको और आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी? Okay. सबसे पहली चीज तो मैं कुछ लाइफ में क्रिएटिविटी ही करना चाहता था, कि मैं कुछ ऐसा बोरिंग टाइप से काम नहीं करना चाहता, कि कुछ ऐसा है कि कुछ जाऊं और क्रिएटिव करूं इस तरह से।
और मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे कजन को मैं देखता था, मैं उन्हीं के यहाँ रहता था, और मैं अपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो मैंने उन्हीं के यहाँ सैलून में जाता भी था एज अ मैनेजर टाइप से, थोड़ा सा देखता रहता था काम, और मुझे अच्छा भी लगता था कि ये को जो कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा था देखकर। तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी फील्ड में आगे काम करूँ। फिर मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया, फिर लॉरियल से बहुत सारी ट्रेनिंग ली, इन सैलून ट्रेनिंग ली, और बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं लॉरियल के, मैंने उन्हें अटेंड किया। और उसके बाद फिर बड़ा प्लेटफॉर्म मिलते गया, अदर सैलून में जाते जाते मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती गई, और फिर मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करा, हेयर स्टाइलिंग प्रैक्टिस किया, कलर की क्लासेस लिया, और फिर मैं आज आपके सामने यहाँ। बहुत अच्छा. सो बेसिकली आपने कंटिन्यूअसली अपनी अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करते रहे और काम करा, यस सर। आपके जैसे कि प्रैक्टिस. सो नेक्स्ट वन इज ऑफ कोर्स एक रेगुलर क्वेश्चन है जो कि हम सभी लीडिंग हेयरड्रेसर्स को पूछते हैं कि व्हाट आर द करंट स्टाइल एंड कलर ट्रेंड्स. एंड आपको क्या लगता है द इंडियन कस्टमर जो सैलून्स में आते हैं क्या वो ट्रेंडी हेयरकट सच में मांगते हैं या वो बस द रेगुलर स्टफ की भाई टचअप कर दियो दो या स्ट्रीक्स कर दो ग्लोबल कलर, हाँ स्ट्रिक्स, ग्लोबल ये तो कलर कर हाँ दो. क्लासिक है, काफी चीजें तो क्लासिक क्या है। क्या क्या लग आपको क्या फील आ रही है, आप सैलून फ्लोर पे रहते हो इतने इतने घंटे, तो आपको क्या लग रहा है क्या इंडियन कस्टमर बदल रहा है? ओके, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब कस्टमर आता है तो मैं उन्हें बताता हूँ, और अब आजकल के कस्टमर जो है काफी एजुकेटेड हो गए हैं। जब भी कभी भी वो सैलून में आते हैं ना, तो वो एक इमेज पहले से लेकर आते हैं, या उसके बारे में वो लोग रीड करके आते हैं, एजुकेट हो चुके हैं काफी, नेट से वो निकाल के लाते हैं कि मुझे इस तरह से कलर करना है। और मैं आप जो ट्रेंडी लुक की बात करूं, तो आजकल जो ट्रेंडी लुक है फ्रेंच बालियाज है, कि क्लाइंट को चाहिए कि बहुत सटल दिखने वाला भी चाहिए और नहीं दिखने वाला भी चाहिए, सीमलेस होना चाहिए। तो ये सब जो वर्ड आते हैं, ये सब फ्रेंच बालियाज की डेफिनेशन के वर्ड है। तो हम अगर मैं बात करूँ ट्रेंडी लुक की, तो अभी फ्रेंच बालियाज ऑन ट्रेंड है, और क्लाइंट को मैं खुद सजेस्ट भी करता हूँ, अगर कुछ क्लाइंट आते हैं कि स्ट्रेस या उन्हें पता नहीं होता, तो हम उन्हें एजुकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आजकल ये ट्रेंड पे है, आप इन्हें फॉलो करो, आप ये कराओ, तो ज्यादा बेटर लुक आएगा और बहुत ही सटल नेचुरल लगेगा, ऐसा लगेगा कि लाइक यू बॉर्न विद इट। तो क्लाइंट भी सेटिस्फाइड होता है कंसल्टेशन से, फिर हम उसका काम करते हैं इस तरह से। और टचअप तो रेगुलर चलता ही है, ये क्लासिक जो है टचअप ग्लोबल, तो ये तो चलता ही रहेगा, इसको कोई मतलब ब्रेक नहीं कर सकता। फ्रेंच बलियाज जो है वो एक आपका कहना है कि एक है जो कि काफी अभी इन है. और कुछ स्टाइलिंग या कट्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप रिगार्डिंग? पहले क्लाइंट जो मैं पहले की बात करूँ, तो पहले क्लाइंट बहुत लंबे हेयर, लॉन्ग हेयर रखना पसंद करता था, और वन लेंथ लॉन्ग हेयर। बट आजकल क्लाइंट को क्लासिक बॉब में भी आ चुका है, क्लाइंट लॉन्ग बॉब, क्लासिक बॉब या रिजिटेड बॉब में आ चुका है, या फिर एक स्टैंडर्ड लेंथ मेंटेन करता है कि बहुत लंबी ना हो और बहुत शॉर्ट भी ना हो, और वो इजी टू मेंटेन हो। आजकल के क्लाइंट को क्या टाइम की शॉर्टेज है, कि क्लाइंट को चाहिए इजी टू मेंटेन चाहिए, तो एक क्लाइंट स्टैंडर्ड लेंथ पे आके कट कराता है मैक्सिमम टाइम, और हम सजेस्ट भी करते हैं कि आप मैक्सिमम, अच्छा भी लगता है, मॉडर्न भी लगता है, तो सजेस्ट भी करते हैं हम लोग कि एक स्टैंडर्ड लेंथ पे रखो, बहुत लंबा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। अगर हाँ शॉर्ट कराना चाहते हो, आपका प्रोफेसर अलाउ करता है, आप मैनेज कर सकते हो, तो हाँ शॉर्ट रख सकते हैं, क्योंकि वो मॉडर्न लगता है, और एंड डिपेंड भी करता है आपके फेस शेप पे एंड टेक्सचर पे, कि हमें किस तरह से कट देना है, कितनी लेंथ रखनी है, क्या करना है, ये सब। ओके थैंक यू. सो नाउ वील टॉक अबाउट योर एम्बिशन. कि अभी आप इतने यंग हैं, ऑलरेडी यू आर रीचिंग द इंटरनेशनल लेवल, तो आगे क्या आपके एम्बिशन और प्लान्स हैं, जरा शेयर करिए हमारे साथ. मैम, मेरा बहुत ही बड़ा मतलब इच्छा है कि मैं कभी एक स्टेज परफॉर्मर बनूं, और जो मेरे साथी हेयर ड्रेसर हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको काफी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो वो लोग शायद स्किप कर देते हैं, और बड़ी चीजें तो खैर हर कोई सिखाता है, बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, बट मैं चाहता हूँ कि वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं उन्हें बताऊं कि हमें ये करना है, ताकि क्लाइंट को जो जो बहुत ज्यादा मतलब कि वो हेल्प करे क्लाइंट की, कि वो जब आफ्टर केयर इजीली घर पे कर पाए। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं जो स्टेज परफॉर्मर बनना चाहता हूँ मैं फ्यूचर में, और साथ ही हेयर ड्रेसर को ट्रेंड करना चाहता हूँ छोटी छोटी चीजें शेयर करके।
Okay, so Raju, you want to become stage performer. basically a platform artist, and Yeah. that's great. That's great. So now let's go to बॉलीवुड और हॉलीवुड जो भी है, जिससे जो आपके फेवरेट मूवीज के, या अपने ट्रेड में ही आर पीपल यू थिंक, आई मीन यू गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय एंड यू लाइक टू फॉलो देम. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा फेवरेट लुक की मैं बात करता हूँ तो वाणी कपूर है जो मुझे इंस्पायर्ड करती हैं। जब भी मैं उनकी मूवी देखता हूँ कोई तो कुछ अलग कुछ डिफरेंट लुक में ही वो मुझे अपेयर होती हैं, तो उनसे मैं काफी इंस्पायर्ड होता हूँ। कुछ नया देखने को मिलता है उनके हेयर पे, और अभी जब मैं रिसेंटली देख रहा हूँ तो उनके बालों में फ्रेंच बालियाज ही देखने को मिल रहा है जो हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ही सटल ऐसा लग रहा है कि वो उनके साथ ही मतलब सिबॉन दे दे। मैंने जैसा कि बताया ऐसा लग रहा है कि उनका ही हेयर है जो नेचुरली लाइट हो गया है, तो लगने हाईलाइट कराया हुआ है इस तरह से, तो उनसे मैं काफी इंस्पायर्ड होता हूँ जब कभी मैं उनको देखता हूँ ना, तो कुछ नए लुक में आती है वो। Anything else that you want to share with us, you know, in terms of going forward, in terms of training, कुछ भी आप हमसे शेयर करना चाहें तो बताएं. मैं अपने साथी हेयर ड्रेसर को ही ज्यादा शेयर करूंगा उनके लिए, क्योंकि शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ उनकी तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा, बड़ी बात होगी मेरे लिए। कि सबसे इन्वेस्ट करना चाहिए उनको खुद के ऊपर, कि हम बहुत सारे हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करना, पर मैं सोचता हूँ कि इन्वेस्ट पहले खुद पर करना चाहिए, कि आपको खुद को पहले लर्न करना, खुद को आप बहुत सारी चीजें लर्न करने के लिए हैं रिलेटेड टू हमारे फील्ड, कि आप हेयर स्टाइलिंग सीखो, कुछ कुछ नया चीजें प्रैक्टिस करो, और आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए क्लाइंट को लेकर, आपके स्टाफ को लेकर, बहुत ही हम्बल होना चाहिए। क्लाइंट क्या करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लाइंट हम बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, अच्छे अच्छे हेयर ड्रेसर है वो काम कर रहे होते हैं, बट क्लाइंट उन्हीं के पास जाना प्रिफर करता है जो अच्छे से बिहेव करता है। काम मैटर करता ही है, उसको तो पीछे नहीं छोड़ सकता, बट मैं बात कर रहा हूँ कि हमें उसके अलावा क्या जरूरी है? उसके अलावा हम क्लाइंट को अच्छे से पेम्पर करना जरूरी है, कि उनके कंफर्ट लेवल को जानना जरूरी है, कि हाँ वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हम उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, काइंडनेस आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैं बोलना चाहूंगा अपने हेयर ड्रेसर को। और एक चीज हम लोग हमेशा पूछते हैं अपने जो स्पीकर्स हैं उनसे, कि व्हाट इज इट दैट यू डू टू कीप फिजिकली एंड मेंटली फिट. आप मेंटल फिटनेस, क्योंकि हमारी जो सैलॉन बिजनेस है और जो आप लोग फ्लोर पे रहते हो कितने कितने घंटे, तो उसके लिए एक मेंटल और फिजिकल फिटनेस की जरूरत होती है. सो उसके बहुत लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटली और फिजिकली फिट होना। तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जिम नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है, बट मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, ज्यादा नहीं, 15 मिनट के लिए, और मैं मेरे पास कुछ है टूल्स या इक्विपमेंट्स है कि जो उनसे मैं एक्सरसाइज कर पाता हूँ, और भी कुछ वगैरह हो गया या कुछ तरह। तो मेडिटेशन आप कर सकते हो 5-10 मिनट या 15 मिनट, आप जिम जाने के जगह ना आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो, कि क्योंकि जिम जाने पास टाइम कम होता है मैम, कि हम लोग आधा घंटा जिम जाए फिर आधा घंटा आने में लग जाएगा, तो 1 घंटा ऐसा चल जाएगा, और वहां पे हम अगर यू नो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हाफ एन आवर वहां लग जाएगा, तो उस जगह में मैं कहूंगा कि 20 या 30 मिनट्स आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हो तो जरूर करना ही चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि 1 मंथ 1 मंथ के लिए करना है या 2 मंथ्स के लिए करना है, एक्सरसाइज हमें लाइफ टाइम के लिए करना है। जब आप 60 के हो जाओगे या 80 के भी हो जाओगे ना, तो आपको 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, तो आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और मेंटली मेंटली आपको अगर मतलब मेंटली आपको और स्ट्रांग होना है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा कुछ ऐसी जगह में जा सकते हैं कि जहाँ पे आपको बहुत पीस ऑफ माइंड मिलता हो, तो आप ये सब कर सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ कि कभी गुरु गुरु गुरुद्वारा जाता हूँ, वहां पे थोड़ी देर बैठता हूँ, काफी अच्छा फील होता है मुझे। बिल्कुल. ओके, सो थैंक यू राजू फॉर दोज ग्रेट इंसाइट्स. वी आर वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू हैव यू अगेन, एंड आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरनेशनल यू नो स्टाइल एंड कलर ट्रॉफी, एंड वी विल बी यू नो लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिजल्ट्स एंड होप आपको बच्चा करें. ऑल द बेस्ट. थैंक थैंक यू फॉर यू बीइंग सर, हियर विद अस. थैंक यू. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैम, बात करके। थैंक यू सो थैंक मच।